हे एवरीवन, वेलकम टू फैशन विद रीना। तो कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक बहुत ही ब्यूटीफुल ड्रेस की कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरे फ्यूचर हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँच पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ड्रेस को बनाने के लिए मैं ये साटिन का फैब्रिक एज ए लाइनर ली हूँ 2 मीटर, और उसके साथ जो मेन फैब्रिक है वो ली हूँ नेट का फैब्रिक, वो है 2.5 मीटर। तो इससे हमारा पूरा ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगा। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फैब्रिक को हमें 4 फोल्ड में ऐसे बिछा देना है, देन फिर 1/2 इंच का लाइन हमें एक खींच देना है। देन फिर हम लेंगे शोल्डर का नाप। तो शोल्डर का नाप मैं ली हूँ 6 इंच, और आर्मोल का नाप ली हूँ मैं 6.5 इंच। इसी तरह हम एक चेस्ट की लाइन खींच लेंगे, और उसके नीचे ले लेंगे हम अपनी वेस्ट की लाइन। देन फिर ले लेंगे हम हिप की लाइन। इसी तरह हमें पहले तीनों लाइन खींच देनी है, देन फिर हम अपने चेस्ट का 4 पार्ट इस पर ड्रॉ करेंगे, और उसके साथ ले लेंगे 1.5 इंच मार्जिन। उसी तरह अपने वेस्ट का 4 पार्ट ले लेना है, और उस पर 1.5 इंच मार्जिन ले लेनी है, और फिर हिप का 4 पार्ट लेना है और 1.5 इंच मार्जिन ले लेनी है। तो तीनों को हम मिलाकर इस पर लाइन ड्रॉ कर देंगे। और मार्जिन भी हम मिला देंगे। तो ये हमारा मेजरमेंट हो गया है, और उसके नीचे तक हम इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। लेंथ हमने ली है 38 इंच। देन फिर हम आर्म होल का नाप लेंगे। तो पहले मैं 1.5 इंच में नाप ली हूँ, फिर 1 इंच में। तो ये हमारा हो गया बैक पार्ट का निशान, और उसके बाद ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट का निशान। तो हमारा पूरा फुल मेजरमेंट हो गया है। देन फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग हमारा इस तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट को निकाल देंगे और फ्रंट पार्ट की आर्म होल की कटिंग कर देंगे। तो इस तरह से दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है, और फ्रंट में जो हम हाई लो करेंगे उसके लिए हम 10 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और उसको गुलाई देते हुए पूरा नीचे तक इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, फिर देन उसकी कटिंग कर देंगे। देन फिर नेक की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैं ले ली हूँ 2.5 इंच, और इसकी लेंथ ली हूँ 6 इंच। तो इस तरह से हमें एक बॉक्स रेडी कर देना है, और उस पर गुलाई देकर इसकी कटिंग कर देनी है। तो सेम इसी तरह हमें बैक पार्ट पर भी निशान लगा देना है 2.5 इंच, और लेंथ ले लेनी है 8 इंच। तो उस पर भी एक बॉक्स बना देना है, और उसकी कटिंग कर देनी है। तो इस तरह से हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर हम अपना मेन फैब्रिक को इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा देंगे। देन फिर उस पर बैक पार्ट रख कर उसके नीचे 5 इंच की लेंथ और ले लेनी है, और उस पर एक निशान लगा देना है। देन फिर सेम एज इट इज़ कटिंग कर देनी है। देन फिर 1 पार्ट अलग कर देना है, और उस पर फ्रंट पार्ट रखना है, और सेम उसी तरह 5 इंच की लाइन ले लेनी है, और उसे पूरा नीचे तक लाइन ड्रॉ कर देना है, और इसकी कटिंग कर देनी है। देन फिर हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से 4 फोल्ड में बिछा देना है, और अपने आर्म होल की 4 पार्ट ले लेना है, और उसके साथ अपना मार्जिन भी ऐड कर देना है। देन फिर 3.5 इंच नीचे से डाउन करना है, और वहाँ से इस तरह से स्लीव की लाइन ड्रॉ कर देनी है। देन फिर नीचे से हम अपने अकॉर्डिंग नाप ले लेंगे, और उसको यहाँ से लाइन ड्रॉ कर देंगे। देन फिर इसकी कटिंग कर देंगे। तो फ्रेंड्स, नेट की फैब्रिक है, इसलिए मैंने इसके लिए लाइनिंग एक छोटा सा स्लीव इस तरह से क्रिएट कर लिया है। आप चाहे तो वैसा भी रख सकते हैं, मुझे ऐसा अच्छा लगा तो मैंने ऐसा रख लिया है। तो कटिंग हमारी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। देन फिर हम स्टिच करेंगे। तो सबसे पहले फ्रंट पार्ट ले ली हूँ, और उस पर लाइनिंग इस तरह से
अच्छे से बिछा देना है। देन फिर नेक पर हमें पिन की मदद से उसे सिक्योर कर देना है, ताकि सिलाई करते वक्त इधर उधर खींचे ना, और उस पर एक सिलाई दे देनी है। इस तरह से सिलाई मैंने दे दिया है पूरे पर, और यहाँ से छोटे छोटे नट्स भी कट कर दिए हैं। देन फिर हम इसे पलटा लेंगे। पलटा लेने के बाद हमें इस पर और एक सिलाई दे देनी है फिनिशिंग की। देन फिर हमें पूरे पर इस तरह से सिलाई दे देनी है। देन फिर नीचे के पार्ट को हमें ऐसे डबल फोल्ड करके उससे उसकी भी सिलाई दे देनी है, और हमारे मेन फैब्रिक को भी इस तरह से हमें सिलाई दे देनी है। तो इस तरह से हमारा सिलाई कंप्लीट हो चुका है। मैंने पूरे पर सिलाई दे दिया और नीचे भी इस तरह से मैंने स्टिच डाल दी है। इसी तरह बैक पार्ट भी हमें रेडी कर लेना है। पूरे पर हमें स्टिच डाल देनी है। फिर फ्रंट पार्ट लेंगे और उस पर ऐसे लेस की वर्क करेंगे। तो इस तरह से लाइन में हमें पिन की हेल्प से इसे सिक्योर कर देना है। इसी तरह नेक पर भी हमें राउंड कर इसे अटैच कर देना है, और इसके नीचे भी हमें लेस को इस तरह से अटैच कर देना है। तो इस तरह से मैंने स्टिच डाल दिया है, पूरा इस पर अटैच कर दिया है। इस तरह से नीचे भी मैंने अटैच कर दिया है। तो इस तरह से हमें बैक पार्ट लेना है, और दोनों पार्ट को इस तरह से उल्टे साइड में हमें बिछा देना है, और इसकी शोल्डर की स्टिच डाल देनी है। तो शोल्डर की स्टिच हमारी लग चुकी है, दोनों साइड में हमें स्टिच लगा देना है। देन फिर स्लीव्स को ऐसे मोड़कर हमें एक स्टिच डाल देनी है, और उसका जो छोटा वाला पार्ट है उस पर भी हमें ऐसे मोड़कर उस पर भी एक स्टिच डाल देनी है, और उसे इसके साथ मिलाकर स्टिच डाल देनी है पूरे पर। तो इस तरह से स्लीव्स हमारा रेडी हो चुका है, मैंने स्टिच डाल दिया है। देन फिर उस पर भी हम लेस की वर्क करेंगे। तो इस तरह से हमें नीचे एक लाइन लगाना है, और मिडिल में एक ऐसे लाइन लगा देना है। तो इस तरह से हमारा लग चुका है। तो इस तरह से मैंने दो लाइन इस पर अटैच कर दिया है। देन फिर हम अपने शोल्डर पर स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव हमारा अटैच हो चुका है। देन फिर हम इसे पलटा लेंगे, और अपना जो मार्जिन छोड़े थे हम 1.5 इंच, उतना हम निशान लगा लेंगे। निशान लगा के हमें तीनों को मिला लेना है, और पूरा नीचे तक हमें इसकी सिलाई दे देनी है। तो इस तरह से हमारा स्टिच लग चुका है, ड्रेस बनकर तैयार हो चुका है। ये स्लीव्स पर भी डिज़ाइन लग चुके हैं, दोनों स्लीव भी हमारे रेडी हो चुके हैं। देन फिर हम इस पर स्टोन की वर्क करेंगे। तो इस तरह से मैंने स्टोन की लेस ले ली है। आपको ये कोई भी लोकल मार्केट या ऑनलाइन साइट में मिल सकती है। ये बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही ब्यूटीफुल लुक देता है। तो इसको हमें ऐसे हाफ में फोल्ड कर इसकी कटिंग कर लेनी है। देन फिर हमने जो 5 लाइन ज़्यादा छोड़े थे उसके नीचे हम इसको इस तरह से अटैच करेंगे, इस पर स्टिच डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, इस पर स्टिच डालना बहुत ही आसान है, तो चलिए मैं कर दिखाती हूँ। तो ऐसे फैब्रिक को हमें मशीन के नीचे रख देना है, और इस पर अच्छे से हमें स्टोन को बैठा देना है। तो फ्रेंड्स, थोड़ा आराम से और थोड़ा मेहनत कर लेंगे तो आपका एक बहुत ही ब्यूटीफुल लुक क्रिएट हो जाएगा। मैं ग्लू से भी ट्राई की थी, बट स्टिच इस पर बहुत आसानी से लग जाता है। तो इसके मिडिल से हमें स्टिच लगाना है, इधर उधर नहीं करना है, बहुत ही बारीकी से हमें इसके मिडिल से हमें स्टिच लगाते हुए जाना है। तो इस तरह से पूरे पर हमें इसको लगा देना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पूरे पर लगा दिया है। देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। द
देन फिर ढाई चौड़ाई के दो लेस ऐसे कट कर लेने हैं और अपने स्लीव्स पर भी इसको अटैच कर देना है। तो सेम प्रोसेस स्टिच डाल देना है, ये बहुत ही आसानी से स्टिच हो जाता है, तो स्टिच हमें डाल देना है। तो इस तरह से मैं स्लीव्स पर भी इसे अटैच कर दी हूँ, दोनों स्लीव्स पर हमारा अटैच हो चुका है। तो फ्रेंड्स हमें इस लेस के जो पार्ट को हमें ऐसे एक एक स्टोन करके कट कर देना है, इससे लुक बहुत ही ब्यूटीफुल आता है। तो आप चाहें तो राइनस्टोन चेन भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही अफोर्डेबल और आसान है लगाने पर, तो इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारा पूरा स्टोन अलग अलग हो चुका है, इस तरह से स्लीव्स की भी मैंने अलग कर दी है कट करके। देन फिर हम नेक पर इसी स्टोन लेस से वर्क करेंगे। तो इस तरह से 9 इंच पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, सेम और एक लाइन ड्रॉ कर देंगे और उससे एक बॉक्स क्रिएट कर देंगे। देन फिर मिडिल से एक लाइन ड्रॉ कर देना है। देन फिर लेस से हम दो दो लाइन ऐसे कट कर लेंगे और उसके नाप के अकॉर्डिंग हमें कट कर लेना है। तो इसी तरह हमें पूरे लाइन के अकॉर्डिंग कट कर लेना है और उस पर स्टिच डाल देनी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स मेरा ड्रेस बनकर कंप्लीट हो चुका है। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, और इसी तरह अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए ला सकूँ। तो ये रहा हमारा फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स इसका जो टूलिप सलवार है इसका भी वीडियो मैंने शेयर कर दिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। और इसके साथ जो मैंने स्लीपर पहना है वो भी मेरा हैंडमेड है, इसका भी वीडियो मैं डाल दी हूँ, इस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा ड्रेस कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हमने अगले किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।